चंद्रयान 3 की एक और जबरदस्त कामयाबी, पार हुआ सबसे कठिन टास्क। इसरो वैज्ञानिकों ने फिर 1000 सेकंड दबाया बटन और रच गया इतिहास। पहली बार इसरो ने दिखाया असली कमाल, एआई ने कर डाला रियल गेम। तो उधर इस धमाके के बाद हिला अमेरिका, इसरो को मिला पहला ऑर्डर। दोस्तों, चंद्रयान 3 ने स्पेस में बड़ा कमाल कर दिया है। आज एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन धमाकेदार गुड न्यूज है भारत के चंद्र मिशन को लेकर। इस बार चंद्रयान 3 ने देशवासियों को खुश होने वाली तीन ऐसी वजहें दे दी हैं जो वास्तव में गर्व से भर देने वाली हैं। इसरो के लिए धरती के ऑर्बिट का जो सबसे मुश्किल टास्क था वो पार हो गया है। यानी इसरो ने लगातार 17 मिनट तक चंद्रयान 3 के इंजन को फायर किया, जिसके बाद जो कामयाबी वैज्ञानिकों को मिली है, और इसके साथ ही भारत को दो और गुड न्यूज भी मिली है, जिसमें एक खुशखबरी तो चंद्रयान 3 और भारत की इकोनॉमी से जुड़ी हुई है। यानी इसरो को इस कामयाबी के साथ ही एक बड़ा ऑर्डर मिल गया है। दोस्तों, ये हम आपको वीडियो में बताएंगे, साथ ही ये भी बताएंगे कि अब 1 अगस्त को क्या नया खेल होने वाला है, और उसके बाद 23 अगस्त से पहले 17 अगस्त को इस पार या उस पार वाला काम होगा, ये सब बताएंगे। तो वीडियो पर बने रहिएगा। 1000 सेकंड तक इसरो ने दबाया बटन और चंद्रयान 3 ने कर दिखाया कमाल। पृथ्वी के आखिरी ऑर्बिट में पहुंचा मिशन। दोस्तों, इसरो ने जानकारी देते हुए कहा कि चंद्रयान 3 अब धरती से अधिकतम 1,27,609 किलोमीटर दूरी वाले और 236 किलोमीटर नजदीक वाले ऑर्बिट में पहुंच चुका है। अब इसे लूनर ट्रांसफर ट्रैजेक्टरी में डाला जाएगा, जिससे वो चांद की ओर लंबी यात्रा पर निकल जाएगा, और ये सबसे मुश्किल टास्क होने वाला है। और इसके लिए टीम इसरो अगली फायरिंग 1 अगस्त 2023 को रात 12 बजे से 1 बजे के बीच करने वाली है। मतलब चंद्रयान 3 को चंद्रमा की ओर जाने वाले लंबे गैलेक्टिक हाईवे पर डाल दिया जाएगा, जिसे लूनर ट्रांसफर ट्रैजेक्टरी यानी LTT भी कहते हैं। उस हाईवे पर ये चला जाएगा और इस पर डालने के लिए चंद्रयान 3 को स्लिंग शॉट किया जाएगा। चंद्रयान 3 लूनर ट्रांसफर ट्रैजेक्टरी में 5 दिन यात्रा करेगा। दोस्तों, बेंगलुरु के इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क में बैठे वैज्ञानिक इस काम को अंजाम देंगे। फिर ये 5 से 6 अगस्त को चांद की ऑर्बिट को पकड़ने की कोशिश करेगा। एक बार चंद्रमा की ग्रेविटी में फंस कर ऑर्बिट को पकड़ लिया तो उस पर उतरना आसान होगा। ये चांद की कक्षा में पहुंच उसके चक्कर लगाना शुरू करेगा। इसके बाद यहाँ पर जिस तरह से पृथ्वी के 5 राउंड इसने लगाए, ठीक उसी तरह से ये चांद के भी 5 राउंड लगाएगा। पांचों बार इंजन को ऑन ऑफ किया जाएगा और उसके बाद असली खेल होगा 17 अगस्त को। ये हम आपको आगे बताएंगे, उससे पहले आप इसरो की उस तकनीक के बारे में जान लीजिए जिसने अब जाकर तहलका मचा दिया है। दरअसल वो काम है चंद्रयान 3 की बेतहाशा स्पीड को कंट्रोल करना, वो भी इसरो मुख्यालय में बैठे बैठे। अभी इसकी गति 36,968 से 40,320 किलोमीटर के बीच है। चंद्रयान 3 को धरती के ऑर्बिट से बाहर जाने के लिए 40,320 किलोमीटर प्रति घंटे की गति हासिल करनी ही होगी, क्योंकि जब एक बार चंद्रयान 3 के इंटीग्रेटेड मॉड्यूल यानी लैंडर और प्रोपल्शन मॉड्यूल का इंजन ऑन होता है तो उसे तेज गति मिलती है, वो अगले ऑर्बिट में पहुंच जाता है। लेकिन जैसे ही वो एपोजी पर सबसे दूर पहुंचता है, उसकी गति जीरो हो जाती है, पृथ्वी उसे फिर खींच लेती है। हर ऑर्बिट में चंद्रयान 3 के साथ यही हो रहा है। प्रोपल्शन मॉड्यूल में 2 बड़े ईंधन टैंक हैं, जिनमें अलग अलग तरह के ईंधन भरे हैं, और इसके दम पर ही यान अंतरिक्ष की यात्रा कर रहा है। दोस्तों, अब जानते हैं कि 17 अगस्त को क्या होगा। दरअसल इसरो वैज्ञानिक इस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि कब चंद्रयान 3 और चंद्रमा अंतरिक्ष में एक लाइन में आए, यानी एक ही प्लेन पर, ताकि यान सही समय पर चंद्रमा तक पहुंच सके।
17 अगस्त को इसरो वैज्ञानिक कोशिश करेंगे कि चंद्रयान 3 चंद्रमा की कक्षा को पकड़ ले, नहीं तो फिर 40,320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चंद्रमा को बाय बाय बोलते इसके बगल से निकल जाएगा। लिहाजा दोस्तों, प्रोपल्शन मॉड्यूल में लगे छोटे इंजनों की मदद से चंद्रयान 3 के इंटीग्रेटेड मॉड्यूल को पूरी तरह से विपरीत दिशा में घुमाया जाएगा, यानी 180 डिग्री का टर्न दिया जाएगा ताकि वो चंद्रमा के ऑर्बिट को पकड़ सके। इसके बाद ही आने वाली 23 तारीख को चंद्रयान 3 चांद की सतह पर लैंड करेगा। AI को लेकर इसरो ने दिया देश को सरप्राइज। इसरो की इस तकनीक का हुआ जबरदस्त खुलासा। दोस्तों, चांद के ठीक ऊपर चंद्रयान 3 की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए इसरो की एक और तकनीक का खुलासा हुआ है। इसरो ने चंद्रयान 3 के अंदर काफी स्ट्रांग AI टेक्नोलॉजी का जबरदस्त यूज किया है और इसी की बदौलत दोस्तों 23 अगस्त को तगड़ा कमाल होने वाला है, क्योंकि दोस्तों इसरो के वैज्ञानिकों ने एक तो चंद्रयान 3 के अंदर रोबोट को फिट किया है तो दूसरा गगनयान के लिए बना डाला है जो चांद के फोर साइड में यानी अंधेरे वाले पार्ट में उतरते वक्त खुद डिसीजन लेगा। इसरो के किसी कमांड की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये सब कुछ अपने दिमाग से करेगा और इसके दिमाग यानी सॉफ्टवेयर को इतना स्ट्रांग बनाया गया है कि इसकी एल्गोरिथम को देखकर ही नासा के वैज्ञानिक भी टाइम से पहले ही इसरो की तारीफ करने में लग गए हैं। अब ये दिमाग ही असल में चांद पर उतरते टाइम देखेगा कि सामने पत्थर है, ऊबर खाबर जमीन या कोई बड़ा क्रेटर। वो खुद हर किसी पॉसिबिलिटी के लिए तैयार रहेगा और इसे डिटेक्ट करते ही उसे सेकंड के 96वें हिस्से में ही डिसीजन ले लेगा और इसे बाईपास कर देगा। दोस्तों, इस पूरी की पूरी प्रोसेस को साइंस की भाषा में डीप मशीन लर्निंग का नाम दिया जाता है, जो AI टेक्नोलॉजी का आगे का पार्ट है। मतलब दोस्तों, चंद्रयान 3 का जो रोबोट है उसमें एक बहुत ही तगड़ा कंप्यूटर लगा है और इस पूरी की पूरी मशीन को हर बात पहले ही सिखा दी गई है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। मतलब चंद्रयान 3 के अंदर आर्टिफिशियल वाला ऑटोमेटिक ब्रेन लगा दिया गया है जो खुद ही वहां पर लैंड करा सकेगा। दोस्तों, अब इसरो जिस तरह से अपने मिशन को अंजाम दे रहा है उससे दुनिया के बड़े बड़े देश भी अपने तमाम सैटेलाइट मिशन भारत से करवाने के लिए इंतजार कर रहे हैं। वो भी भारत जिस तरह से अपने शक्तिशाली रॉकेट और इंजन बूस्टर का इस्तेमाल कर रहा है, खुद अमेरिका जैसा देश उन्हें खरीदने की बात कर रहा है। जी हाँ, ये सबसे बड़ी गुड न्यूज है। अमेरिका से खबर है कि अमेज़न के फाउंडर जेफ बेजोस की कंपनी ब्लू ओरिजिन ने इसरो के LVM3 रॉकेट के इस्तेमाल में अपना इंटरेस्ट दिखाया है। अमेरिकी कंपनी ब्लू ओरिजिन भारत के LVM3 का इस्तेमाल कॉमर्शियल और टूरिज्म पर्पस के लिए करना चाहता है। LVM3 के जरिए ब्लू ओरिजिन अपने क्रू कैप्सूल को प्लान्ड लो अर्थ ऑर्बिट स्पेस स्टेशन तक ले जाएगा। वहीं तमाम स्पेस एजेंसियां अब इसरो के साथ काम करना चाहती हैं, यानी चंद्रयान 3 भारत के लिए गेम चेंजर लॉन्च की तरह है जो भारत की किस्मत बदल देगा।